चलो मरो। जागले के फिर ये हसी रात हो। फेमस पर्सनालिटी की बारी भी होगी, अब मेरी बारी है। ऐसे करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक। करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, इसके लिए मैं जब बहुत बोलती हूँ ना फिर आप लोग सुनते हो। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्सक्राइब करते हो। मैं भी एक दिन बड़ी यूट्यूबर बनूंगी। मेरा ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब है कि मैं एक लैश आर्टिस्ट बनूं, मतलब मेरा अपना सैलून हो, और जिस दिन वो खुल जाएगा ना मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखूंगी। इसे सब्सक्राइब और इसे सैलून के साथ करते हमारे ब्लॉग को। मॉर्निंग ना, उठने का दिल नहीं कर रहा। 5:30 हो रहा है। चाहती हूँ कि मैं और सो। उठना है, तैयार होना है, मिलना है सबसे। रिलैक्स कर रहे हैं साथ और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अभी उठी जाऊँ और कर लूँ अपनी तैयारी स्टार्ट। सबसे पहले कर लेती हूँ मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज, उसके बाद करते हैं हमारा मेकअप को स्टार्ट। अपने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने लेंस लगाए हैं ग्रीन वाले, मुझे बहुत पसंद है ऐसे। मतलब ये अभी लाइट है ना, वैसे अगर लाइट ना हो तो ये बहुत ज्यादा नेचुरल और बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। खैर अभी मैं करने लगी हूँ मेकअप। मेकअप को ट्यूटोरियल जो है वो मैं टिकटॉक पर शेयर करूंगी, मतलब एक शॉर्ट में शेयर कर दूंगी, कोई छोटा सा ही होगा और मेकअप दिखाना इतना बड़ा तो क्या ही करना, मैं दिखा चुकी हूँ वैसे। तो अभी मैं शॉर्ट अपलोड करूंगी, जब लोग देख लोगे मेरा व्लॉग तब। मेकअप करने के बाद आप लोगों के सामने आती हूँ। तैयार हो चुकी हूँ और ये है मेरा कुछ फाइनल लुक। आज मैंने अपने आप का मेकअप ब्लैक किया और लिपस्टिक कलर थोड़ा सा डार्क रखा है। कल एंड तक मेरा डार्क होता गया था, बस मेरा दिल करता मैं चेंज करती थी, मूड स्विंग्स जैसे होते रहते हैं। अभी मैं अलीना से मिलूंगी, फरीहा से मिलूंगी, इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, तब क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये दोनों मेरी बहनों की तरह है मेरे लिए। तो फिर खैर इनके पास जाऊंगी, इनका टाइम स्पेंड करूंगी, फिर वापस खड़ा जाऊंगी। लोग फरिया को लेने जा रहे थे तो आगे से पता नहीं इन्होंने क्या शोशा छोड़ा, कोई ये धुआं उठा हुआ है तरीके से इसका। लो इसका सामना करना होगा हमें, मजाक बनाया हुआ इसका भाई लेके जा रहा हूँ। आप लोग बस टीम देखे कैसे भागती हुई जा रही है। शाहरुख, अलीना, फरिया और मैं यहाँ पर बैठे हुए। हम लोगों ने अभिषेक मंगवाया था, शेख हमने पहले भी अभी लेट आई तो उसका अभिषेक अभी मंगवा रहा है। अभिषेक कपड़ा ढूंढ रही है। तो बस सब अच्छा लग रहा है, सब साथ बैठे हुए, फ्रेंड्स के साथ अच्छा ही लगता है ना फरिया। यहाँ पे किया है बहुत ज्यादा एंजॉय। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी पिक्चर्स, जितना हसब तौफीक हम खरीद सकते थे पिक्चर्स को उतना हमने खींची। I don't know who is she। तो मैंने सोचा कि हम सबके कपड़े मैं आप लोग को एक एक करके दिखाती हूँ। मैंने बोला सब मॉडलिंग करते हुए आए, मिसनी को देखो जरा। बारी हो गई, अब दूसरी की बारी है। अलीना के बाद आई बारी फरीहा की। ने बहुत प्यारा कलर पहना था, मुझे कलर्स का बहुत अच्छा लगा। ये भी मिसनी बनकर आ रही थी। अभी मिसने हैं गाइस, अपने आप में हम सब मिसने हैं। ये बारी भी हो गई, अब मेरी बारी है। मेरी बारी पे शाहरुख अजमल आ गए, तो मैंने शाहरुख अजमल को बोला अब आएगी तो थोड़ा मॉडलिंग करके। शाहरुख ने पर्पल कलर पहना हुआ था, इतना गंदा किस किया इसने, तो बस सारा मूड खराब कर दिया। बारी अच्छा, वैसे मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब मेरी कोई वीडियो बनाने लगे ना टाइम मुझे मौत पड़ जाती है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मेरी ये जूते मुझे बहुत अच्छे लगे। नोटिस किया नहीं किया, चलो फिर से दिखाती हूँ। यहाँ देखें, और यहाँ पर हम तीनों जो है साथ आ रहे थे और इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि मुझे नीचे गिरा। बताएगा आप लोग को सबसे ज्यादा किसका सूट अच्छा लगा? फरिया का जो कलर था वो बहुत खिला खिला लग रहा था मुझे। हम लोग जा रहे हैं, मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स का वो देखो, फरिया पहन के जा रही है, मैं ढूंढ रही हूँ कब से। चलो को फॉलो करते हुए हमने हमें जाके अच्छा बैकग्राउंड मिला। खैर कोई बात नहीं, जो भी ऐसा ही है को जो है हम लोग घर ड्रॉप कर रहे हैं। घर ड्रॉप कर रहे, हमने बॉस को तो एक रक्षा मंगता रहो कि तुम जो आ गई थी ना रेस्टोरेंट में, अब देखो कैसे जा रही है। चलो जल्दी बनो। छोड़ के हमारा ये प्लान था कि हम लोग सीधा वापस घर जाएंगे, लेकिन घर जाने के बाद फिर भैया ने बोला कि मैंने मतलब गोश्त नहीं खाती है ये, तो बोला चलते हैं बाहर। तो हम लोग बाहर आ गए और फलिया कर ली है ऑर्डर। इसका क्या चल रही है? इतना प्यार है, इतना क्यूट सा, इतना छोटू सा, बिल्कुल मेरे जितना है। क्या हुआ हुआ, ये ऐसी हरकतें कर रही है? ये ना अपना नेकलेस मुझे पहना दिया है, मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं। बस कुछ भी हो मैं तो पहन लेती हूँ, मेरे को कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत प्यारे लग रहा है, लेंस इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लेंस लग रहे हैं। जी हमारा खाना आ चुका है और फर्स्ट टाइम हम लोग पिज्जा, कौन सा भाई, पेपरोनी पिज्जा जो है हम लोग ट्राई कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम मुझे ना नाम लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाद में इसको ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कैसा था। मैंने हमेशा देखा बट आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने लगी। मैं भी इसको करने लगी हूँ ट्राई।
खाना खा लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे चले। और जैसे हम लोग निकले इसको याद है किसने पेट्रोल लिया और टैंकी बिल्कुल सूखी हुई। अल्लाह करे हम लोग पहुंच जाए पेट्रोल पंप तक। क्यों फरिया हम लोग जो है पेट्रोल पंप पहुंच गए। मुझे यकीन नहीं था कि हम लोग पेट्रोल पंप पहुंच जाएंगे लेकिन हम लोग पहुंच गए है ना फरिया। शुक्र है बड़ी मुश्किल जूम 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 करती हुई आई हमारी बाइक लेकिन पहुंच गई। हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। अभी मेरा वो टाइम आ गया जब मैं अपने लेंसेज उतारूं क्योंकि मेरे लेंसेज मुझे बहुत किलर लगते हैं। देखा होगा लेकिन इस ड्रेस ये ड्रेस मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं पतली लेती हूँ इसलिए मैं ज्यादा ब्लैक पहनती हूँ। इतना करें ब्लैक पहने थैंक्स। और पिज्जा खाया था मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो पेपरोनी वाला उसमें ना वो मीट था मुझे मीट बिल्कुल नहीं पसंद गाइस। आई हैव समथिंग जो है नूडल्स पड़े हुए थे चाउमीन पड़ा हुआ है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं छोटे छोटे जाग ले के फिर ये हसी रात हो न हो। म्यूजिक था ये गाइस। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। हम इतना अच्छा नहीं गा सकती नहीं होता मुझसे। दिस सॉन्ग वॉज फॉर माई थी जिसने माँ मुझे दिल नहीं करती थी जवाब देने का लेकिन फिर भी ये साहिबा फरमा रही थी कि मैं फिर से जिसको सुलह करनी है खानदान में वो आके सबसे पहले वीडियो बनाए और माफी मांगे सितारा से और फिर जो है सलमा को गलत कहे। बात सुनो बहन तुम्हें ना मैं ना कुछ भी नहीं समझती अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझती। ऐसी फसादन औरत हो ना मतलब मैं मरियम फहद को गलत कहती हूँ लेकिन जो तुम हो ना तुम्हें तो कोई ऐसी कोई घर से किसी ने निकाल दिया है क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से इन कम्युनिटी में पड़ी रहती है। तुम्हारा घर बार कोई नहीं कम्युनिटी तुम्हारा घर है बाहर है बच्चे औलाद और जो हस्बैंड है सब कुछ हमारा कम्युनिटी है। और तुम मेरी नानी को एडवाइस कर रही थी सीरियसली तुम अपनी हद में रहो मतलब अब तो मेरी नानी को भी तुम एडवाइस करोगी है ना। मेरी अम्मी का नाम रुबीना तो तुम उसे चुबीना जो बोलती हो तुम्हें बहुत चुपती है मेरी मम्मी और मेरे मामू। चलो मरो आगे भी देखो होता है क्या क्या। तो पहले ही कह दिया था कि मुझे सुलह नहीं करनी ठीक है। और ये जो अपने तुम ये लगाते रहते ना ये घटिया से जो कम्युनिटी है ये कभी खुद भी इस पे गौर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो तुम्हारे घर वाले तुम पे ऐसा जलील करें। और कोई नहीं मैं आके तुम ऐसे करूंगी तुम्हें तब पता लगेगा कि तुम कैसे दूसरों घरों में आग लगा। तुम्हारे इंसानियत नहीं कहीं पर बंदा मतलब कि कोई अच्छा हो सब फैमिली साथ नहीं तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है। तुम कभी मिलके नहीं रही तुमने अपनी नंद को तुमने अपनी माँ को तुमने अपनी बहनों को अपने शोहर से ना उनको सबको बहनों को उनके भांजियों को सबको उनको उनसे अलग कर दिया हुआ है। अब तुम हमारे घर में भी घुस के ये बातें कर रही हो तो खैर तुम्हारी कम्युनिटी की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तुम एक मेरे लिए एक जीरो मायने रखती हो मेरे लिए बस ये तुम्हारी कम्युनिटी मेरे का मेरा दिल करता हो तुम्हें चपेट दूर कर लगाऊं अपने अल्फाजों से। और मेरे ख्याल से तुम लग गई होगी अब कल तुम इतनी घटिया कम्युनिटी लगाओगे फिर तुम याद रखना कि आगे नैना अकबर है फेमस पर्सनैलिटी आइज बैठ जाए। आज का ब्लॉग इंपॉर्टेंट करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इतना तेज ऐसे बोल से ट्रेन मेरी भागी जा रही है और मैं बोलने में बैठी हूँ। मैं लूँ कल अब एक नए और मजेदार से ब्लॉग है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।